जब वायरल होगा तब मैं जो दुखी दुखी जो इंसान है उसको मैं बहुत ही सज्जे करूंगा पैसा से। आप लोग देखना प्लीज, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी बुखार है इसलिए आवाज़ अच्छा सुनाई नहीं दे रही। और देखिए, मैं ब्रिज के ऊपर बैठ चुका हूँ और आज सोचा ऐसे ही ब्लॉग बना के दिखाऊँ। और रिजर्व माड़ी का जो खेत है वो दिखाने जा रहे हो अभी। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। और आप लोग मत सोचिए कि ये रिवर है, रिवर नहीं है, ये ऐसे खाल है छोटा और इसके ऊपर से ब्रिज बनाए गए हैं। चले अब बाइक के ऊपर बैठ जाता हूँ और चलिए जाते हैं। और मेरे साथ मेरे दादा जा रही है, चलो। हेलो गाइस, पार्क में जाके और पूरी ठंडी महसूस हो रही है। आप लोगों को कैसा लगा? ठंडी है क्या? Think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see. देखिए गाइस, यहाँ पे चावल का खेत है, बहुत ही छोटा है। देखिए बहुत ही छोटा है और व्यू भी बहुत अच्छा लग रही है। और जो मस्ट ग्रीन का खेत है वो इसके से ज़्यादा अच्छा है, चलिए वो दिखाते हैं। और वहाँ पे हम जा रहे हैं, देखिए मेरे पीछे मस्टर्ड ग्रीन के खेत है, चलिए उधर जाके तो पूरी दिखाते हैं कैसा था दिखाई दे रही है। और आप लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक देखते रहे। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, किस लिए? कल मेरी स्कूल से पिकनिक में जाएगा यार, बहुत ही खुशी है। मैं सोच रहा हूँ और इसलिए मेरी फुर्ती से मैं सोचा, दादा को कहा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बना के आती है। और देखिए ये मस्ट ग्रीन का खेत है, पूरी घूम के दिखाती है इसमें क्या क्या लगती है, क्या क्या देना पड़ती है, पूरी घूम के बता देता है। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए अंत तक। मैं जहाँ पर आ चुका हूँ, पूरी 100 बीघे पूरी खेती है जो मस्ट ग्रीन की खेती है। और देखिए ये फूल कैसे अच्छा दिखाई दे रही है, पूरी झुक करके दिखाऊँ। देखिएगा कितने अच्छा दिखाई दे रही है यार, इसको देख लेता हूँ। गाइस देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है इस फूल को। चलो मैं इसको लेके जाते घर पे, ले जाऊंगा देखना हम लोग। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ और चलिए इस खेत कैसा लगा आप लोगों को प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और चलिए पूरी घूम के दिखाते हैं खेत को। हेलो गाइस, मेरी आवाज़ बहुत ही बुरा है, बुरा नहीं है या तो बुखार है, और मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। प्लीज आप लोग बुरा मत सोचिए मेरी बात के। अरे यार, मैं पीछे नहीं देखा, आप मोबाइल के बैक कैमरे से देख रहा हूँ। और आप लोग गलत मत सोचिए यार, चले जाते हैं। और सच में ना इस खेत बहुत अच्छा होता है, हमारे उधर नहीं है, इधर है, इसलिए हम आ चुका हूँ। और 1-2 किलोमीटर दूर हम आ चुका हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगता है आप लोग प्लीज बता देंगे। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूँ और मेरी बहुत ही सपना है कि मैं ब्लॉगर हूँ और मुझे बहुत लोग मुझे प्यार करेगा, मेरा यही सपना है। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए क्योंकि मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे गाइस, देखिए व्यू कितने चल रही है यार, असल में मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा व्यू यार, कितने अमेजिंग व्यू है। सूरज भी डूबने वाला है ना, इसलिए बहुत अच्छा दिखाई दे रही है। हेलो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस सूरज डूबने से आगे थोड़ा आगे इस मस्ट ग्रीन के खेत में आ जाएगी जिसके घर के पास है। और आप लोग देखेंगे कितनी अच्छा लगता है, देखिए व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी घूम के दिखाती है। हेलो गाइस, और इस मस्ट ग्रीन का जो सुगंध होता है ये बहुत अच्छा लगता है। मैं सूंघूंगा तो आप लोगों को उतनी सुगंध मिलेगा और मैं सूंघ के दिखाता हूँ मेरे अच्छे लगे। आह, कितनी अच्छी सुगंध है यार, बहुत ही प्यारा सुगंध है। हेलो गाइस, बहुत ही परेशान हो गए यार, इसलिए बैठ चुका हूँ और बुखार भी बहुत ही बढ़ गया। और फिर भी ब्लॉग बना के दिखाता हूँ क्योंकि अब तक सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे प्लीज या जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो फिर आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये क्या। आप लोग मेरे साथ गेंद खेल रहे हैं क्या? प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ना क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूँ और मैं
जब वायरल होगा तब मैं जो दुखी दुखी जो इंसान है उसको मैं बहुत ही सज्जा करूंगा पैसा से। आप लोग देखना अपने सब लोग मुझे सपोर्ट करिए। हेलो गाइस, अभी सूरज भी डूबने वाला है, मैं कैमरे से दिखा दूं। देखिए व्यू कितना अच्छा लग रही है, और अभी सूरज डूबने वाला है और रात भी होने वाले हैं, और मैं स्वेटर नहीं लेके आया, ये बहुत ही पतला है, हवा भी डूबता है। हेलो गाइस, देखिए डेन भी दे दिया जो खीरे के खेत में देता है ऐसा, और डेन किस लिए देते हैं, पानी देने के लिए। और जब इसकी मस्ट गेंद जब उठा लेगा तब वो चावल की खेत रोए गए पे। और ये देखिए पानी देने के लिए मिशिंग था वो उठा के घर ले गया, अब तो पानी देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए घर पे उठा के ले गया, बाद में आएगा जब। और ना मुझे ये समझ में नहीं आता जो इस मस्ट गेंद का जो मिट्टी होता है, देख कितनी मोटी मोटी होती है, देखिए कितना सुखाया गया है मिट्टी, फिर भी इस मिट्टी में होता है, जो चावल नहीं होता इसमें, चावल का जो पानी है वो गीला होना पड़ेगा, वो सुखाया गया तो वो अच्छा नहीं होगा और वो मर जाएगा। और ये बहुत ही मैं ये सोचता कि ये खेत में होता है कैसे, और इसलिए मैं समझता कि ये बहुत ही ताकतवर खेत है। हेलो गाइस, अभी हम घर में जा रहे हैं और रात भी होने वाले, और मुझे तो बुखार, आप लोग तो बताया आज भी अच्छा नहीं है, और आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, और जो लोग यूट्यूब में देख रही है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग फेसबुक के हैं प्लीज़ फॉलो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अभी हम घर जा रहे हैं, और इसके लिए बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक वीडियो में।